हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिनेरियो नंबर 51, जिसमें हम बात करेंगे विच की। विच मीन्स कौन या कौन सा, विच मीन्स कौन या कौन सा, कौन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जब हमारे पास कुछ सीमित चीजें होती है, उसमें से हमको कुछ विशेष चीज को सिलेक्ट करना होता है, तब हम विच का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास है दो बाइक खड़ी है, हम बोल रहे हैं कि विच बाइक इज योर, अपाची और पल्सर, क्योंकि दो ही हैं, दो में से हमको एक चुनना है। तो मैं बोलूंगा माय बाइक इज अपाची, ठीक है। तो दो चीजें, जब बहुत सारी चीजें हमारे पास होते हैं और उनमें से हमको किसी एक को चुनना होता है, तब हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, यानी कि दुनिया में बहुत सारे नाम हैं और उसमें से हमको एक नाम को चूज करना है, तब हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलेंगे विच इज योर कार, विच इज योर कार, फोर्ड और इंडिगो, ठीक है। तो आपकी कार कौन सी है, यानी कि दो कार है वहां पे, उसमें से हमने बोला कि विच इज योर कार, ठीक है। हम बोलेंगे व्हाट इज योर कार, आपकी कार कौन सी है, मतलब दुनिया, हमने नाम नहीं बोला, और दुनिया में जितनी कारें हैं उसमें से आपकी एक कार है, ठीक है। तो विच का प्रयोग जब कुछ भी सीमित चीजें होती है, सीमित चीज में से हमको किसी विशेष चीज को चुनना होता है, तब हम विच का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है रूल, विच प्लस नेम किसी भी चीज का जो हमारे है, जैसे कार का नाम या कुछ भी हो, बुक हो, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आप किस सब्जेक्ट को पसंद करते हो, यानी कि हमारे पास क्या है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, मैथ्स और इंग्लिश, मैं पूछ रहा हूं कि आप कौन से सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, मैथ्स और इंग्लिश, तो बोल सकता हूं मैं आई लाइक मैथ्स या आई लाइक इंग्लिश, ठीक है। आप कौन से विषय को पसंद करते हो, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे विच पेन इज योर, आपकी पेन कौन सी है, रेड और ब्लू, आपकी पेन कौन सी है, तो मैं बोल सकता हूं माई पेन इज ब्लू या ब्लू इज माई पेन, यस। विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, ठीक है। तो हम यहां पर किसी गानों का नाम लिख देंगे, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, कुछ सीमित गानों के नाम लिख देंगे, उसमें से हम बोलेंगे विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, ठीक है। और बहुत सारे जितने दुनिया में आज तक के गाने हैं, तो हम बोलेंगे व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग, आपका प्रिय गाना कौन सा है, दुनिया में जितने गाने हैं उसमें से चूज करने को, तो हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। और यहां पर हम किसी गानों का नाम दे देंगे, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, इसमें से कुछ नाम दे देंगे हम, ये है ये है ये है, तो उसमें से हम एक चुनेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, विच का प्रयोग आ जाएगा। विच कार विल यू बाय, आप कौन सी कार खरीदोगे, यानी कि कोई हम कार बता रहे हैं, ये कार वो कार ये कार, इसमें से विच कार विल यू बाय, आप कौन सी कार खरीदोगे। और जितनी कारें हैं दुनिया में, अगर हम उतने में से किसी एक को खरीदने की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे व्हाट कार विल यू बाय, आप कौन सी कार खरीदोगे, दुनिया में जितनी भी कारें हैं उनमें से हम नाम नहीं बताएंगे, विच कार विल यू बाय, आप कौन सी कार खरीदोगे, यानी कि कारें लगी हुई है और हम इसमें से बता रहे हैं विच कार विल यू बाय, आप कौन सी कार खरीदोगे इनमें से, तो ठीक है, वहां पर विच का प्रयोग करते हैं हम। किसी भी व्यक्ति वस्तु के लिए हम, जब सीमित चीजें हो, असीमित में से हमको किसी एक पर्टिकुलर चीज को चुनना हो, हम वहां पे विच का प्रयोग करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा आपको बताता हूं, मैंने विच की जगह पे हर जगह विच लिखा, ठीक है।
नेम किसी भी चीज का नाम, जैसे मैंने यहां पे सब्जेक्ट लिखा, यहां पे पेन लिखा, ठीक है, यहां पर हमने सीधे सेंटेंस बनाया तो यहां पे नहीं लिखा, ठीक है, ठीक है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब विच, यहां पे कार लिखा, ठीक है, या विच बुक डू यू लाइक, या विच मोबाइल डू यू यूज, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो, या विच टीम डू यू प्ले फॉर, आप किस टीम के लिए खेलते हो, विच टीम डू यू प्ले फॉर, तो ऐसे आप अनेक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, विच, ठीक है, तो ये था आपका सिनेरियो नंबर 50, तो इसमें विच मोबाइल डू यू यूज, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप हमें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपकी तरफ से हमारे लिए जब लाइक सब्सक्राइब आएगा, लाइक आएगा, आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने अच्छी वीडियो बनाई, आप तक अच्छा मैटर पहुंचाया है, हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि और भी अच्छा बेहतरीन आप तक पहुंचा सकें, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।